वेन डायग्राम ऑफ सेट्स। स्टूडेंट, सेट्स के बाद अब हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम को, कि वेन डायग्राम के जरिए हम सेट्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अब हम आते हैं कि वेन डायग्राम के जरिए हम सेट्स को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। वेन डायग्राम में इस तरह होता है स्टूडेंट कि एक रेक्टेंगल होता है, सही है, इस तरह एक रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल के अंदर सर्कल्स होते हैं, ठीक है। जो होल रेक्टेंगल है विद सर्कल के साथ, इस ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, यू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये जो सर्कल है, सर्कल से जो आउटसाइड एरिया है ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट को, ठीक है। होल सर्कल जो होते हैं, जो शेडेड होल सर्कल है, ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन सेट को। समझ में आया? और जो ओवरलैपिंग एरिया है, ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ये रिप्रेजेंट करते हैं इंटर सेक्शन सेट को। सो वेन डायग्राम के जरिए हम क्या करते हैं, हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल के अंदर दो सर एक सर्कल भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ये क्वेश्चन के जरिए जो क्वेश्चन होता है उसके साथ हम लिखेंगे। लेकिन जो सर्कल्स होते हैं और एक सर्कल्स होते हैं यूनिवर्सल के अलावा जितने सेट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। होल रेक्टेंगल जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कॉम्प्लीमेंट सेट को। जो सर्कल्स है दोनों ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन सेट को। और ओवरलैपिंग ये जगह, इसको हम ओवरलैपिंग एरिया कहते हैं, ये ओवरलैपिंग एरिया रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इंटरसेक्शन सेट को। सो वेन डायग्राम क्या चीज है, वेन डायग्राम ऑफ अ सेट, इसके जरिए हम क्या करते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हम सेट्स को, जो यूनियन सेट है, इंटरसेक्शन सेट है, कॉम्प्लीमेंट सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ये क्वेश्चन हम इसके जरिए सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया वेन डायग्राम ऑफ अ सेट, के वेन डायग्राम असल में है क्या चीज। तो एक रेक्टेंगल होता है और इनसाइड उस रेक्टेंगल में क्या होते हैं, सर्कल। जो रेक्टेंगल होता है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों सर्कल यूनियन, ओवरलैपिंग एरिया इंटरसेक्शन, और आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को। अब आते हैं थोड़े से क्वेश्चन इस पे करते हैं ताकि आपको और वेन डायग्राम का समझ आ जाए। नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ए सेट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरह बी सेट है क्या, 2, 3, 6 एंड 7। क्वेश्चन हमें ये कहता है कि देन ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग। इसके लिए आप क्या करें, वेन डायग्राम ड्रॉ करें, किस तरह, ए यूनियन बी इससे निकालें, ठीक है, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी, आप वेन डायग्राम के जरिए इसको सॉल्व करें। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम के जरिए जिससे हम निकाले ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, देखे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम ए यूनियन बी को निकालेंगे विद वेन डायग्राम से, देखिए इधर। तो वेन डायग्राम में क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है, रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल के अंदर अब आप देखेंगे इधर कितने सेट्स है, दो, तो दो सर्कल्स होंगे। और अब इधर ये भी देखेंगे, इसमें कॉमन है एक, क्या है, 2, 2, दोनों में कॉमन, तो 3 और 3 इधर भी है कॉमन, तो कॉमन जब होंगे तो ओवरलैपिंग एरिया भी आएगा। अब ए यूनियन बी हम किस तरह निकालेंगे, हमने इससे पहले सीखा था कि दो सेट्स का ए यूनियन बी किस तरह होगा, दोनों सर्कल्स के जो डिजिट्स होंगे उसको हम कहेंगे ए यूनियन बी, और वो ये सारा शेडेड एरिया होगा।
अब ये जो ओवरलैपिंग एरिया है, इधर इस हम इधर हम क्या लिखेंगे, इधर दोनों सेट्स में जो कॉमन नंबर्स होंगे वो लिखेंगे। इसमें भी टू है, इसमें भी टू, इसमें भी थ्री, इसमें भी थ्री, और कॉमन नहीं है तो सिर्फ टू और थ्री इस एरिया में आएंगे। अब इधर फर्स्ट सेट्स के मेंबर हम जो और मेंबर है वो लिखेंगे टू और थ्री के अलावा। तो और क्या नंबर है, वन फोर एंड फाइव। और इधर सेकेंड सेट्स के जो और मेंबर है टू और थ्री के अलावा वो लिखेंगे, तो हो जाएगा सिक्स एंड सेवन। अब ये सारा एरिया क्या है, इसको हम कहते हैं यूनियन सेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा यूनियन सेट ए यूनियन बी। तो इस तरह हम आंसर निकालेंगे वेन डायग्राम के जरिए ए यूनियन बी। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी को देखें, तो इंटरसेक्शन बी में हमने पढ़ा था कि जो ओवरलैपिंग एरिया है उसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट सर्कल, ये हो जाएगा सेकंड सर्कल। और इंटरसेक्शन वेन डायग्राम में क्या होता है, जो ओवरलैपिंग एरिया होते हैं उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। और ओवरलैपिंग एरिया में कौन से नंबर होंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, टू एंड थ्री। तो ये शेडेड एरिया इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। थोड़ा सा साफ लिख दो। ठीक है, इधर हम क्या लिखेंगे, टू एंड थ्री, और इसको शेडेड करेंगे, बाकी शेडेड नहीं होंगे। यूनियन में कौन सा शेडेड हो, सारा दोनों सर्कल का जो सारा एरिया है वो यूनियन का होता है। इंटरसेक्शन में जो ओवरलैपिंग एरिया है इसमें जो नंबर है इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन, और जो कॉमन नंबर होंगे वो हम इधर लिखेंगे। तो ये हो गया ए यूनियन बी, और ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह हम यूनियन और इंटरसेक्शन निकालेंगे विद वेन डायग्राम के जरिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन। आपके पास तीन सर्कल्स हो, लाइक सपोज क्वेश्चन नंबर टू में है तीन सर्कल, एक सेट्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बी सेट है क्या टू थ्री टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और सी सेट है फाइव सिक्स नाइन एंड टेन। अब इसमें कितने सेट्स है, तीन। तो इसका और हमें क्वेश्चन ये कहता है कि आप क्या लिखे, कि आप ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी लिखे वेन डायग्राम के जरिए, जो इक्वल होगा किसका, ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। सही है, तो पहले क्या करेंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी यूनियन सी क्या होंगे, बी और सी का यूनियन सेट। तो यूनियन सेट इसका हो जाएगा टू फोर फाइव सिक्स, ठीक है, सेवन एट भी है एंड नाइन एंड टेन, ये हो जाएगा बी यूनियन सी। इसी तरह ए इंटू यूनियन बी यूनियन सी क्या होंगे, तो ये हो जाएगा ए में क्या है वन और टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये हो जाएगा ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। सबसे पहले आप ये लिखेंगे, देन इसको इसके साथ इसका यूनियन लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसका इसको हम वेन डायग्राम से किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे इस यूनियन सेट्स को, तो देखें वेन डायग्राम को वेन डायग्राम्स के जरिए किस तरह लिखेंगे। तो देखें वेन डायग्राम में क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। ठीक है, क्या होता है, एक रेक्टेंगल, और इनसाइड रेक्टेंगल जितने सेट्स होंगे उतने सर्कल्स होंगे। तो इतने इधर कितने सेट्स हैं, थ्री, तो इधर थ्री सर्कल्स होंगे। एक हो जाएगा ए, सही है, एक हो जाएगा बी, और एक हो जाएगा क्या सी। ठीक है, एक हो जाएगा सी। अब इधर देखें, ये है ए, ये है बी, और ये है सी, ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, इस यूनियन सेट को इस वेन डायग्राम में लिखेंगे। तो किस तरह, ये एरिया नहीं, ये एरिया है ए और बी का ओवरलैपिंग एरिया, ये एरिया ए बी और सी तीनों का ओवरलैपिंग एरिया है। ठीक है, ये एरिया ए और सी का ओवरलैपिंग है, और ये एरिया बी और सी का ओवरलैपिंग है।
इधर हम कौन से डिजिट लिखेंगे जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 5 6 है, इसमें भी 5 6 है और इसमें भी 5 6 है। तो 5 6 हम इधर इस कॉमन एरिया में लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे 2 एंड 4। समझ में आया? अब बी और सी में 5 और 6 कॉमन है, वो तो हमने ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। और इधर इसमें दोनों में ओवरलैपिंग एरिया में इसमें कोई डिजिट नहीं है, तो जो और डिजिट है वो हम अपने अपने सीट्स के अंदर लिखेंगे। 5 और 6 हमने इससे लिखे हैं, 2 और 4 भी लिखे हैं, तो इधर आ जाएगा 1 3, ठीक है, 1 एंड 3। इधर बी सीट्स में हमने 4 भी लिखा है, 2 भी लिखा है, 5 और 6 भी लिखे हैं, तो 7 एंड 8, 7 एंड 8। और इधर सी में 5 और 6 हमने लिखे हैं, तो 9 और 10। तो इस तरह हम वेन डायग्राम के जरिए सीट्स को लिखेंगे, ठीक है। और यूनियन सीट में क्या होता है कि जो सर्कल का जो सारा एरिया होता है वो वेन डायग्राम में उसका जो सारा एरिया वो यूनियन, इसको हम कहते हैं सारे सर्कल का जो सारा एरिया होता है उसको वो क्या होता है, यूनियन। में इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो ओवरलैपिंग एरिया होता है वो इंटरसेक्शन होता है और बाकी नहीं होता, ठीक है। लेकिन यूनियन सेट में जो सारा सर्कल का एरिया है वो उसको हम यूनियन उसका कहते हैं। सेक्शन निकाले तीनों का, तो इसको हम किस तरह वेन डायग्राम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी हो गए, बी और सी में कॉमन क्या है, 5 6, ठीक है, तो ये जाएगा 5 एंड 6। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका आंसर होगा तीनों में जो कॉमन है वो क्या है, 5 एंड 6। तो ये आंसर होगा, ठीक है, तीनों में इंटरसेक्शन क्या है, 5 एंड 6। तो इसको हम वेन डायग्राम के जरिए किस तरह लिखेंगे, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में कितने सर्कल्स होंगे, इधर 3, एक होगा ए, एक होगा बी, एक होगा सी। तीनों का इंटरसेक्शन जो एरिया है वो क्या है, ये वाला। और तीनों में कॉमन क्या है, 5 एंड 6। तो इसको हम इंटरसेक्शन के जरिए इस तरह लिखेंगे, जो तीनों का ओवरलैपिंग एरिया है ये वाला, ये उसका होगा इंटरसेक्शन, और इसको हम शेडेड करेंगे। और जो बाकी है ए बी एंड सी, इधर क्या होंगे, इधर होंगे दोनों में है 2 एंड 4, और इधर आएगा 1 एंड 3, ठीक है। इधर होगा बी में 2 4 भी गया है, और 5 6, तो 7 8, और इधर होगा 9 एंड 10। तो इस तरह इंटरसेक्शन हम इसका निकालेंगे वेन डायग्राम के जरिए, जो है कि हम कॉम्प्लीमेंट सेट को किस तरह ड्रा करेंगे वेन डायग्राम में, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ए यूनिवर्सल सेट यू विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ए सेट है 1 2 3 4। क्वेश्चन हमें ये कहता है कि आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें और इसको ड्रा करें वेन डायग्राम में। तो हमें मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन, कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट सेट है ए कॉम्प्लीमेंट, वो बराबर होगा यू डिफरेंस ए विच इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यू डिफरेंस ए, और ये सेट इक्वल होगा जो यू के वो डिजिट्स होंगे इसमें जो ए में नहीं होंगे। तो ए में क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आंसर होगा 5 6 एंड 7, 5 6 एंड 7, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट, फाइंड हो गया। अब हम इसको किस तरह ड्रा करेंगे वेन डायग्राम में, तो देखिए इसको वेन डायग्राम में क्या होता है, एक होता है रेक्टेंगल, ठीक है, एक होता है क्या, रेक्टेंगल। और हमें मालूम है
कि वेन डायग्राम में जो सारा रेक्टेंगल है वो है यूनिवर्सल सेट, ठीक है ये सारा, और सर्कल से जो आउटसाइड एरिया है ये है कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट सेट हमारे पास आया है क्या, 5, 6 एंड 7, और कॉम्प्लीमेंट सेट हम किसे कहते हैं, आउटसाइड ऑफ सर्कल एरिया, तो ये हो जाएगा 5, 6 एंड 7, ठीक है। और इसको हम करेंगे शेडेड, और बाकी जो बचे हैं वो क्या है, वो है 1, 2, 3 एंड 4। तो जो आउटसाइड सर्कल एरिया है ये है, ये किसको शो करता है, ये कॉम्प्लीमेंट सेट को शो करता है, और जो सारा रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को शो करता है। तो इस तरह हम फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट को, ठीक है। जो भी कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन हो आप इस तरह इसको फाइंड करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन।